आपका कार्यक्रम आप ही मेहमान 100 से 500 लोगों को खाना बनाकर होम डिलीवरी उपलब्ध। जी हाँ, राकेश तिवारी कैटर्स पेश करते हैं स्वादिष्ट भोजन की संपूर्ण श्रृंखला। पिछले दिनों हुई अच्छी बारिश के बीच में और उसके बाद बोबनी कर चुके किसान अब फिर से अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। खेतों में बोए गए सोयाबीन, उड़द आदि के बीजों में अब कोपल निकल आए हैं, लेकिन पिछले 15 दिन से एक भी बूंद बारिश नहीं होने से उनका अंकुरण ठीक से नहीं हो पा रहा है। ऐसे में मालथौन ब्लॉक के बोबई, हड़ली सहित आसपास के कई गांवों में अच्छी बारिश के लिए किसान आषाढ़ी पूजन करने में जुट गए हैं। यह एक ऐसी परंपरा है जिसमें घर में सुबह और शाम का खाना नहीं बनता। ग्रामीण विशेषकर किसान राम मंदिर, गांव की कुल देवी यानी खैर माता, स्थानीय देवी देवताओं बेल बब्बा, ठाकुर बब्बा, राजभर बब्बा आदि के दर पर पहुंचकर उनका पूजन करते हैं। वहीं पर पूरा गांव एकत्र होकर दाल बाटी बनाता है, यही भोग अर्पित किया जाता है और पूरा गांव यहीं पर भोजन करता है। भजन संगीत का कार्यक्रम भी पूरे दिन चलता है। क्षेत्र के अधिकांश गांवों में इस प्रकार का पूजन शुरू हो गया है। जहां पर पिछले 2 से 4 दिनों से लोगों के घरों में चूल्हा नहीं जला है, ग्रामीणों की मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और अच्छी बारिश होती है। फिर माता नो बनी सभी देवताओं के तो बनती है बारिश, ये पानी के कारण पानी दे रहे भगवान से आस्था रखते हैं। कई बार सनातन से चले आज तो पानी गिलाने पानी वर्षा नहीं रहो पुरानी है ना, तो प्राचीन मंदिर है पुराना, ये बताओ हरियाली का पानी गिर जाए अषाढ़ में बनते हैं, सारी पूजा होता है सर और राजा बन बना मंदिर नो बना और जहाँ जहाँ देवता है हर जगह बना। हम 15 दिन से हमारे से पानी नहीं गिर रहा है, बहुत परेशान हैं, इसलिए हमने गांव के देवी देवताओं को मनाने के लिए गाँव के बना रहे हैं, इसलिए प्रसन्न हो जाए तो जन पानी बरस जाए, इसलिए बहुत से साल हम चल रहा है। कितनी पीढ़ी जो हम अपनी पीढ़ी में तो हम देख रहे हैं चलता है, हमें पूरी खबर है। पानी गिर नहीं रहा है, खेती को नुकसान हो रहा है, ऐसे देवी देवता को मनावे किलाने यात्रा करवे आए हैं, गाँव आवे जे हमारे राजा बब्बा है। हमारे गांव में एक हफ्ता से पानी नहीं गिर रहा है, इसी गाँव के मना रहे हैं, राजा बब्बा नो बेल बब्बा नो खीर माता नो माता बाई नो मंदिर नो हफ्ता से पानी नहीं बरस रहा है, फसल सूखने लगी है, हम लोग गाँव के बना रहे हैं, राजा बब्बा बेल बब्बा खीर माता माता बाई राम मंदिर शंकर जी नो गाँव के बना खा रहे। ये काफी पुरानी परंपरा है, ये कई पीढ़ियों से चली आ रही है गांव में। इसमें लोगों का मानना ये है या विश्वास है उन्हें कि ऐसा करने से उनके देवी देवता प्रसन्न होंगे और अच्छी बारिश होगी जिससे फसल भी अच्छी पैदावार होगी फसल की। इसके लिए गांव के समीप जो भी गांव के देवता हैं, देवी हैं या गांव में जो राज मंदिर है वहां सभी लोग गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और दाल बाटी बनाते हैं, भगवान को भोग प्रसाद लगाते हैं और दिन भर भजन कीर्तन ये कार्यक्रम गाँव में होते रहते हैं। आपका कार्यक्रम आप ही मेहमान 100 से 500 लोगों को खाना बनाकर होम डिलीवरी उपलब्ध। जी हाँ, राकेश तिवारी कैटर्स पेश करते हैं स्वादिष्ट भोजन की संपूर्ण श्रृंखला। लंच, डिनर, सलोनी चाट, वीआईपी वेटर, प्लेटर, अनुभवी कारीगरों द्वारा भोजन तैयार करने की व्यवस्था अब आपके बजट के अनुसार 100 रुपए से 2000 रुपए तक की संपूर्ण सामग्री सहित कैटरिंग, वुडन सेटअप, वीआईपी काउंटर डेकोरेशन के साथ शादी विवाह, जन्मदिन एवं अन्य मांगलिक कार्यक्रमों में खाना बनाने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है लच्छू चौराहे के पास, महर्षि दयानंद वार्ड, पठा सागर।